आईपीएल का 16 मैच दिल्ली और केकेआर के बीच खेला गया। इस मैच में केकेआर की टीम ने 2 जीत कर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। केकेआर के लिए नारायण और फिन सार्ट ने पारी की शुरुआत करी। फिन सार्ट इस मैच में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन सुनील नारायण ने इस मैच में धमाकेदार प्रदर्शन किया। नारायण ने इस मैच में 7 छक्के और 7 चौकों की मदद से 39 गेंदों में 85 रन की धमाकेदार पारी खेली। नारायण के साथ ही टीम इंडिया के एक उभरते हुए सितारे रघुवंशी ने भी 27 बॉलों में 4 रन की धमाकेदार पारी खेली। इन दोनों की पारी के बाद में इस मैच को फिनिश करने का काम किया अंत रसेल ने। रसेल ने 19 बॉलों में 41 रन की पारी खेली, जिसमें 3 छक्के और 4 चौके सम्मिलित थे। और इन तीनों बल्लेबाजों की धमाकेदार पारी की बदौलत केकेआर की टीम ने 20 ओवर में 272 रन का विशालकाय टारगेट बढ़ा दिया और इस मैच में दिल्ली के लिए नौरखिया ने 3 विकेट अपने नाम किए। आगे के मैच के बारे में बात करूं, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से ही आईपीएल के पूरे मैच की जानकारी मिल सकती है और आपको सभी आईपीएल मैचों की जानकारी सबसे पहले और बिल्कुल सही मिलेगी। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो अभी जाकर के हमारे चैनल को ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको आईपीएल के सभी मैचों की जानकारी सबसे पहले मिल सके। 273 रन के लक्ष्य पीछे करने के लिए दिल्ली की टीम के ओपनर मैदान पे उतरे, लेकिन दिल्ली की टीम के लिए कोई भी ओपनिंग बैट्समैन अच्छा नहीं कर पाया। लेकिन इस मैच में दिल्ली कप्तान ऋषभ पंत ने कमाल की पारी खेली। पंत ने 5 छक्के और 4 चौके की मदद से 25 गेंदों में 55 रन की पारी खेली और पंत के अलावा इस मैच में स्टुपस ने भी शानदार कमाल दिखाया। स्टुपस ने इस मैच में 4 छक्के और 4 चौकों की मदद से 32 बॉलों में 4 रन की कमाल की पारी खेली, लेकिन इन दोनों के अलावा कोई भी अन्य बल्लेबाज टिक के नहीं खेल सका और दिल्ली की टीम 17 ओवर में 166 रन पे ऑल आउट हो गई और केकेआर ने यह मैच 166 रन से जीत लिया। केकेआर की ओर से सुनील नारायण ने इस मैच में बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया। सुनील नारायण ने बैट के साथ साथ बॉलिंग में भी 1 विकेट झटका, तो इसके लिए सुनील नारायण को इस मैच में मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को शेयर कर दे।